व्हाट्सअप गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी लेटेस्ट वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं 2020 का। मैंने कुछ स्टूडेंट को कमेंट में आंसर दिया था कि ये वैकेंसी बहुत लेट हो जाएगी। इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत लापरवाही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बरती, जिसकी वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब 2017, 2018, 2020, मैं इन तीनों की बात करूंगा, इन तीनों वैकेंसी की। देखिए प्रॉब्लम क्या फंसी 2018 वाले कैंडिडेट। आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले रिपोर्ट गलत सौंपी 2018 वाली, ठीक है। 2018 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है। अब जब इतनी वैकेंसी खाली है तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया कि आपके पास चूंकि वैकेंसी खाली है तो आप एडवर्टीजमेंट निकालिए। तो हाई कोर्ट ने एडवर्टीजमेंट निकाला। जब हाई कोर्ट ने एडवर्टीजमेंट निकाला तो आप जानते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करा, हर चीज़ हुआ। 2018 वाली वैकेंसी का जो अलॉटमेंट हुआ वो नवंबर 2019 में हुआ, ठीक है, नवंबर 2019 में हुआ। और फरवरी तक कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग भी हो गई, लेकिन उसमें से 500 या 600 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अब देखिए, फरवरी तक 500 से 600 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो बाद में हाईकोर्ट के पास शिकायतें गईं कि ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी। तो बाद में जब हाईकोर्ट के पास जब शिकायत गई तो हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को एक सर्कुलर जारी किया कि आप ज्वाइनिंग कराइए, ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रहे हैं आप, 500-600 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कराइए। अब देखिए तब तक क्या मामला फंसा, तब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने अपनी 2020 वाली रिपोर्ट भेज दी थी। तब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने अपनी 2020 वाली रिपोर्ट भेज दी थी कि 2020 में हमारी इतनी वैकेंसी खाली है। और क्या हुआ, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने गवर्नर से सैंक्शन ले लिया मार्च में 2020 के लिए, और लगभग 2500 प्लस वैकेंसी का सैंक्शन ले लिया था हाई कोर्ट ने गवर्नर से कि हमको ये वैकेंसी निकालनी है, क्योंकि भाई इतनी वैकेंसी खाली है और कर्मचारी नहीं है, शॉर्टेज है, तो 2500 प्लस वैकेंसी का सैंक्शन दे दिया गवर्नर ने। ये मैं मार्च की बात बता रहा हूँ आपको, मार्च में हाई कोर्ट ने पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को आदेश दिया कि आप 2018 वाले कैंडिडेट की जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई आप उनकी ज्वाइनिंग कराइए, सर्कुलर जारी किया। प्लस 2020 वाली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिपोर्ट भेजी थी कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है, उसका सैंक्शन हाईकोर्ट ने गवर्नर से लिया, ठीक है। मार्च में इतनी बातें हुई। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, जो मैंने आपको अपडेट दी थी फरवरी मार्च में, मैंने आपको अपडेट दी थी कि आपकी वैकेंसी आने वाली है 15 अप्रैल तक या मार्च लास्ट तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ये मैंने आपको अपडेट दी थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बात मुझे पता चली थी कि सैंक्शन मिला है आपकी वैकेंसी को, 2020 की वैकेंसी को सैंक्शन मिला है। और जब सैंक्शन मिल जाता है तो अगर गवर्नर द्वारा सैंक्शन कर दी जाती है वैकेंसी तो 15-20 दिन लगता है वैकेंसी आने में, इसलिए मैंने आपको बताया था कि 15 अप्रैल तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन आप भी जानते हैं उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से हर चीज़ बंद हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी बंद हो गए। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आपको बताया वीडियोस में कि आपकी वैकेंसी अगस्त तक आ जाएगी, क्योंकि भाई उस वैकेंसी का सैंक्शन तो मिल ही चुका था, तो भाई वैकेंसी अगस्त तक आ जाएगी क्योंकि शॉर्टेज है कर्मचारी की। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फंसी, आप समझिएगा इस बात को कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फंसी। बहुत सारी शिकायतें गई हाई कोर्ट के पास कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। बहुत सारे एप्लीकेशंस गए हाई कोर्ट के पास कि ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक सर्कुलर जारी किया, मैंने आपको सर्कुलर दिखाया भी था वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में, मई में आप देखिएगा, मई जून में मैंने दिखाया भी था जो सर्कुलर जारी किया था हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया था कि आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रहे हैं, आप अपनी वैकेंसी का ब्यौरा दीजिए 2018 वाली का, क्योंकि वैकेंसी का ब्यौरा आप देंगे तभी हम री अलॉट कर पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट री अलॉट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये कार्य चल रहा था, कभी हाई कोर्ट खुल रहा था, कभी हाई कोर्ट बंद चल रहा था, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी खुल रही थी, बंद हो रही थी, कोरोना के केसेस जैसे हो रहे थे। फिर धीरे धीरे जुलाई आ गया, अब हाई कोर्ट के पास रिपोर्ट नहीं आई, तो हाई कोर्ट ने फिर से जुलाई लास्ट में कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हमको 29-30 जुलाई तक अपनी वैकेंसी का ब्यौरा दें हमको कि कितनी वैकेंसी खाली है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वैकेंसी का ब्यौरा दिया अपने, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपनी वैकेंसी का ब्यौरा दिया तब बाद में पता चला कि जितनी वैकेंसी खाली है वो 2800 के रेट पे की खाली है, मतलब सीनियर्स की वैकेंसी खाली है। और आप भी जानते हैं जो आपकी वैकेंसी है ग्रुप सी ग्रुप डी की वो 1900 और 2000 के रेट पे की है,
अब ये बात हाई कोर्ट को जुलाई में पता चली कि जो वैकेंसी खाली है वो 1900 और 2000 ग्रेड पे की नहीं खाली है, और जो वैकेंसी खाली वो 2800 ग्रेड पे की खाली है। अब समस्या ये फंसी कि हाई कोर्ट को तो पहले बताया गया था कि इतनी वैकेंसी खाली है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने सैंक्शन ले लिया लेटेस्ट वैकेंसी का 2020 का। अब हाई कोर्ट का एडवर्टीजमेंट बन के तैयार हो चुका था 2500 प्लस वैकेंसी का। अब हाई कोर्ट को जुलाई में पता ये चल रहा है कि वैकेंसी खाली नहीं है 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे की। इसीलिए हाई कोर्ट ने फटकार लगाई बाद में, और हाई कोर्ट ने अगस्त में एक सर्कुलर जारी किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए और बोला कि हमको 29 अगस्त तक, हमको 29 अगस्त तक आप 1 जुलाई 2020 तक, 1 जुलाई 2020 तक जितनी भी वैकेंसी खाली है इसका ब्यौरा दीजिए। हाई कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में बोला था, समझ लीजिए बड़े कड़े शब्दों में बोला था कि हमको 1 जुलाई 2020 तक जितनी भी वैकेंसी खाली है उसका हमको ब्यौरा दीजिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, आप लोग 2018 की ज्वाइनिंग नहीं करा पाए हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या फंस गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो 29 अगस्त तक हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, अपना ब्यौरा सौंप दिया 1 जुलाई 2020 तक कितनी वैकेंसी है उसका ब्यौरा सौंप दिया। अब मीटिंग हुई 3 सितंबर को हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट में मीटिंग हुई 3 सितंबर को। अब जब 3 सितंबर को मीटिंग हुई तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कि पोर्टल का गठन किया जाएगा जिससे आपकी ज्वाइनिंग जल्दी होगी। और सुनने में अब ये आ रहा है कि आपका पोर्टल का गठन हो गया है, एक हफ्ता पहले ही आपके पोर्टल का गठन हो गया, बहुत तेज़ी से कार्य हुआ है, समझ लीजिए पोर्टल का गठन कर दिया गया है 2018 वालों की ज्वाइनिंग के लिए। अब आपकी ज्वाइनिंग अक्टूबर लास्ट तक होना पॉसिबल है। लेकिन अब समस्या क्या फंस गई, 2018 वाले कैंडिडेट्स की जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, समझिएगा इस बात को, 2018 वाली कैंडिडेट जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अभी मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई 2020 तक की रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांग ली है, ब्यौरा मांग लिया वैकेंसी का। अब इस वैकेंसी में कितनी वैकेंसी खाली ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 1 जुलाई 2020 तक जितनी वैकेंसी खाली थी उसमें से 70 से 80% जो वैकेंसी है वो तो 2018 वालों की दी जाएगी, वो तो 2018 वालों की दी जाएगी। क्यों? क्योंकि 2018 वालों के लिए तो वैकेंसी ही नहीं खाली थी, 2018 वालों के लिए तो वैकेंसी ही नहीं थी, और जो वैकेंसी थी वो तो 2020 वालों के लिए थी। जो वैकेंसी खाली थी वो किसके लिए खाली थी? 2020 वालों के लिए। और ये रिपोर्ट किसने गलत भेजी? ये रिपोर्ट गलत भेजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, और हाई कोर्ट को उसने 2020 के लिए बताया था कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाई कोर्ट ने मार्च में गवर्नर से सैंक्शन ले लिया। अब गवर्नर से उसने सैंक्शन ले लिया, लॉकडाउन लग गया, उसको लॉकडाउन के बाद वैकेंसी निकालनी थी, अगस्त तक उसको वैकेंसी निकालनी थी, तो बाद में हाई कोर्ट को जुलाई में पता चलता है कि वैकेंसी खाली ही नहीं है, और जो वैकेंसी खाली है वो 2800 ग्रेड पे की खाली है। तो हाई कोर्ट ने बाद में फटकार लगाई कि हमको 1 जुलाई तक का ब्यौरा दीजिए। अब 1 जुलाई तक का ब्यौरा तो दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन मामला ये फंसा कि मान लीजिए मैं एक फिगर ले रहा हूँ 800, मान लीजिए 800 वैकेंसी खाली है 1900-2000 ग्रेड पे की, मान लीजिए 800 वैकेंसी खाली है, तो उसमें से तो लगभग 600 वैकेंसी तो 2018 वालों की दी जाएंगी ना, क्योंकि 2018 वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब 600 वैकेंसी जब चली जाएंगी तो केवल 100-150 ही तो वैकेंसी बचेंगी, लेटेस्ट वैकेंसी 2020 की जो वैकेंसी बचेगी वो 100-150 ही तो वैकेंसी बचेगी, 200 ही तो वैकेंसी बचेगी। तो अब हाईकोर्ट खुद कंफ्यूज है कि उसने तो सैंक्शन ले लिया मार्च में इस लेटेस्ट वैकेंसी का, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप वैकेंसी निकालिए, हाईकोर्ट ने गवर्नर से सैंक्शन लिया कि हमको वैकेंसी निकालनी है, एडवर्टीजमेंट बन के तैयार था, लेकिन अब मामला ये फंसा कि अब जो वैकेंसी नई बनी थी आपकी उसमें से 70 से 80% वैकेंसी 2018 वालों को दी जाएगी, तो अब तो 2020 वालों के लिए वैकेंसी बची ही नहीं ना। इसीलिए 2018 वालों की रीअलॉटमेंट में देरी हो रही थी, इसीलिए 2020 की वैकेंसी आने में देर हो रही है। तो आप समझ गए, अब आप समझ गए होंगे किसकी गलती है। पहले तो 2018 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट गलत सौंपी, जब आपके पास इतनी वैकेंसी नहीं थी तो आपने क्यों कह दिया 3400 वैकेंसी खाली है, आपको पहले ही 1000 या 1500 वैकेंसी आपको बतानी चाहिए थी, ताकि 1500 वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आता, क्योंकि 2017 की वैकेंसी तो ऑलरेडी आ चुकी थी, अब एक साल के अंदर आप तुरंत दूसरी वैकेंसी निकाल दिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पहली लापरवाही।
दूसरी लापरवाही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या क्या थी कि 2020 में ही उन्होंने कह दिया कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है, उन्होंने ब्यौरा दे दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला कि आपके पास इतनी वैकेंसी खाली है, आप इसकी जल्दी से एडवर्टीजमेंट करिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सैंक्शन ले लिया गवर्नर से, और तब तक आपको पता है मार्च आ गया, वैकेंसी आने ही वाली थी कि लॉकडाउन लग गया। उसके बाद बाद में जुलाई में पता चलता है, जब समर वैकेशन खत्म होता है जुलाई में पता चलता है कि जितनी वैकेंसी खाली है वो 2800 ग्रेड पे की खाली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो भी रिपोर्ट सौंपी थी वो गलत रिपोर्ट सौंपी थी, तो इसीलिए बाद में हाई कोर्ट फटकार लगाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि बहुत बड़े लापरवाह हैं। लेकिन पिसा कौन बीच में? बीच में पिसा कौन? बीच में पिसा स्टूडेंट, चाहे वो 2018 वाले हों चाहे 2020 वाले। अब समस्या ये फंसी कि अब इससे बदनामी किसकी हुई? बदनामी हुई यूट्यूब चैनल्स की, बदनामी हुई मेरी, क्योंकि मैंने आपको जनवरी फरवरी से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च इंक्लूडिंग मैंने आपको 15 मार्च के आसपास एक वीडियो बनाया था कि आपकी वैकेंसी एक महीने में आने वाली। मैंने आपको 15 मार्च को मैंने ये वीडियो बनाया था कि आपकी वैकेंसी एक महीने के अंदर आएगी, क्योंकि जो हमको अपडेट मिली थी, हमको अपडेट यही मिली थी कि आपकी वैकेंसी सैंक्शन होने के लिए गई है और आपकी वैकेंसी सैंक्शन हो गई है। अब हमेशा तो यही होता था कि जब भी वैकेंसी सैंक्शन होती थी तो उसके 15-20 दिन बाद वैकेंसी आ जाती थी, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिपोर्ट ही गलत भेजी हाई कोर्ट को। अब ये बात जुलाई में पता चली और अगस्त में ये बात पता चली कि 1 जुलाई 2020 तक का ब्यौरा हाई कोर्ट ने मांगा, और ये बात फिर 3 सितंबर की मीटिंग में हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको पोर्टल का गठन करना है, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करानी है 2018 वालों कैंडिडेट की, और अगर 2018 वालों की वो वैकेंसी दे दी गई, क्योंकि भाई देनी तो पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 1.5 साल हो रहा है, तो 2018 वालों को वो वैकेंसी अगर दे दी जाएगी तो 2020 वालों के लिए केवल 100 से 200 वैकेंसी ही बचेगी ग्रुप सी में। और हाईकोर्ट अब बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट लगभग लगभग 10 सर्कुलर भेजे हैं, लगभग 10 सर्कुलर अगर आप मार्च से देख लें तो। अब ये होता है ना कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो तो फटकार लगाएं, अब जब 60 की 60, 70 की 70 सभी अपनी रिपोर्ट जब गलत भेज रही हैं तो अब हाईकोर्ट करे तो क्या करे? अब कोई छोटा बच्चा थोड़ो कि हाईकोर्ट थप्पड़ मारे और उसको सस्पेंड कर दे, सबको सस्पेंड थोड़ो कर सकता है हाईकोर्ट, सब पर पेनाल्टी थोड़ो लगा सकता है, क्योंकि वो अंश किसका है? वो अंश तो कोर्ट का ही है ना। तो अब इससे बदनामी तो हमारी हुई, क्योंकि हम तो आपको बता रहे थे फरवरी से मार्च की आपकी वैकेंसी आने वाली है, फिर मैंने आपको अपडेट दी थी कि लॉकडाउन के बाद आने वाली है, अगस्त तक आने वाली है, फिर जब मैंने वहाँ अपडेट लिया तो पता चला सितंबर में आने वाली है। लेकिन अब जब बहुत दिनों से कैंडिडेट परेशान थे तो पर्सनली मैंने कहा भैया बताइए कि आखिर क्या हो गया, दिक्कत क्या है, तो बाद में ये बात निकल के आई है, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। और यही समस्या है कि आपकी लेटेस्ट वैकेंसी पता नहीं अब कितनी लेट हो जाए, क्योंकि अब मैं भी नहीं बता सकता हूँ, अब पता नहीं हाईकोर्ट निकाले कि ना निकाले ये वैकेंसी, क्योंकि हाईकोर्ट बहुत परेशान हो गया। हाईकोर्ट ने बहुत बहुत भयंकर फटकार लगाई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, समझ लीजिए 3 सितंबर को बहुत भयंकर फटकार लगाई थी कि यदि आपने पोर्टल का गठन नहीं किया तो आपका यह प्रमोशन रोका जाएगा, कुछ रोका जाएगा, उसने बहुत मतलब भयंकर फटकार लगाई थी। और यही रीज़न है कि एक हफ्ते के अंदर बाद में पोर्टल का गठन हो गया। आप देखिए एक हफ्ते के अंदर पोर्टल का गठन हुआ है बाद में, अब पोर्टल का गठन हो गया है तो 2018 वालों कैंडिडेट के लिए थोड़ा अच्छा है कि चलिए जिन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, चलिए अब आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी, अब उम्मीद है कि आपकी अक्टूबर लास्ट तक हो जाएगी। मैं अक्टूबर लास्ट तक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है दशहरा हॉलीडेज़ में एक आध हफ्ते की छुट्टी होती, तो हो सकता है काम थोड़ा उसमें से डिले हो, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप इतना सोचे कि अक्टूबर लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 2018 वालों की, लेकिन समस्या 2020 वालों के साथ फंस गई है, क्योंकि जो वैकेंसी खाली थी 1 जुलाई 2020 के आधार पर जिसका ब्यौरा दिया गया था वो तो अब 2018 वालों को दी जाएगी, तो 2020 वालों की वैकेंसी ही नहीं बची है। तो ये बात है जो मैंने आपके साथ साझा कर दी है। अगर आपको लगता है कि जो भी रिपोर्ट मैंने आपको पहले जो भी मैंने आपको अपडेट दी है वो गलत है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो अपडेट हमको निकल के आती है वो हमने आपसे बताई, लेकिन सभी गलती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की है। और अगर आप फिर भी हमको ब्लेम ठहराना चाहते हैं यूट्यूब चैनल, देखिए मैं और भी किसी यूट्यूब चैनल की बात नहीं करूँगा, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो अपडेट मैं देता हूँ उसी की कॉपी लोग करते हैं और वही लोग अपडेट देते हैं। क्योंकि आप बताइए
पिछले एक महीने से कोई अपडेट दे रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी को? नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने मैंने अपडेट नहीं दी इसलिए कोई अपडेट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ब्लेम तो मुझ पर लगा है कि भाई मैंने इस पर कई वीडियो बनाए, मैंने आपको विश्वास दिया था कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि भाई मुझे तो खबर मिल के आई थी। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की ये लापरवाही अब निकल के सामने आ रही है, और इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ कि अब पता नहीं कितना लेट आएगी 2020 की वैकेंसी, पता नहीं, क्योंकि अब वैकेंसी ही नहीं बची है। अब पता नहीं इसको 2021 में निकालें, कब तक निकालें। अब हाईकोर्ट भी बहुत पक चुका है, हाईकोर्ट भी बहुत परेशान हो चुका है, लगातार दो वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी आई ही नहीं है। आप जानते होंगे इसके पहले ये वैकेंसी आई थी 2014 में, फिर ये वैकेंसी 2017 में आई थी, फिर तुरंत ही 2018 में ये वैकेंसी आ गई। ठीक है, आनी चाहिए थी 2020 में, लेकिन 2018 में ये वैकेंसी आ गई, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लापरवाही की वजह से 2018 में आ गई है। तो अब 2020 की वैकेंसी तो 2018 में चली गई है, तो अब पता नहीं 2021 में निकालते हैं कि 2000, अब इसका भी कोई आइडिया नहीं है। मैं कोई आपसे ख्याली कोई भी सपने मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, जो ये सत्यता थी ये मैंने आपके साथ साझा कर दी है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, क्योंकि मुझे अपनी बात समझानी थी आपको, तो इसलिए मैंने ये कैंडिडेट जो थे मैंने इनको रिप्लाई किया था कि आप लोग की किस्मत ख़राब है, आप लोग एआरओ की तैयारी कीजिए, ग्रुप सी में बहुत टाइम लग सकता है। और ये मैंने आपके साथ साझा कर दिया है, और जो जो पल पल की खबर हाईकोर्ट से मिल के आती थी वो मैंने आपके साथ साझा की है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की ये गलती है, 3 सितंबर को ये मीटिंग हुई, ये भी मैंने आपके साथ साझा कर दी है। मैंने बहुत अच्छे से पूछा, कई लोगों से पूछा, क्लियर किया, और ये जो कंक्लूजन निकल के आया वो मैंने आपको वीडियो में समझा दिया है कि सभी लापरवाही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ है। और इसमें से कौन पिसा? इसमें से पिसा है छात्र, इसमें से स्टूडेंट पिसा है। और इसमें से बदनाम कौन हुआ? बदनाम हुआ मैं। यूट्यूब चैनल्स को मैं नहीं कहूँगा मैं बदनाम हुआ हूँ, मैं इसलिए बदनाम हुआ हूँ क्योंकि मैं हमेशा जेन्यून न्यूज़ देता था, और जेन्यून न्यूज़ मैंने दी, आज भी मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, जेन्यून दे रहा हूँ। लेकिन बात तो यही साबित हुई ना, बात तो यही साबित हुई कि मैंने फरवरी में आपको न्यूज़ दी थी, फिर मैंने मार्च में आपको न्यूज़ दी थी, फिर मैंने आपको बताया था कि ये वैकेंसी अगस्त में आएगी, क्योंकि भाई मुझे तो पूरा पक्का उम्मीद थी। लेकिन मेरी बात तो गलत साबित हो गई ना, इससे तो लोग यही कहेंगे ना कि आप फेक न्यूज़ देते हो। तो अब इसके लिए मैं आपसे क्या बोलूँ, एक्सट्रीमली सॉरी के अलावा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वजह से मैं क्या बताऊं अब। तो ये इतनी बात थी, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और वीडियो 18 मिनट का हो रहा है अब। या इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लेटेस्ट वैकेंसी जिसकी मैं आपकी अपडेट दे रहा हूं वो एआरओ की है, आप एआरओ पे फोकस कीजिए, ग्रुप सी पता नहीं कितना टाइम लगेगा लेटेस्ट वैकेंसी का। और जो 2018 की वैकेंसी है, अब आप लोग परेशान ना हो, आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी, मैंने आपको डेडलाइन भी बता दी है, तब तक हो जाएगी, क्योंकि पोर्टल का गठन हो गया है, बहुत फटकार लगाई गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, और इसीलिए मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों से बहुत चिढ़ है, इसलिए मुझे पुराने कर्मचारियों से बहुत चिड़े, 1980 1990 वाले कर्मचारियों से मुझे बहुत चिड़े, क्योंकि इनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता इनको, कुछ नहीं आता। अगर छटाई करनी ही है, गंदगी साफ़ी करनी है, तो सबसे पहले ये जो पुराने हैं इनको आप सस्पेंड कीजिए, और सस्पेंड ऐसा कीजिए कि ये अपना केस ना लड़ पाएँ, क्योंकि संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना कि अगर सस्पेंड भी हो जाओ तो केस लड़के जीत जाओ, बाद में सैलरी मिलने लगती है, ये समस्या है, इसलिए मुझे चिड़े इन लोगों से। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जो मैंने पहले आपको अपडेट दी, और ये मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दी है। अब कोई भी यूट्यूब चैनल अगर आपको उल्टी सीधी अपडेट देता है तो फेक न्यूज़ ही देगा, क्योंकि मैंने आपको सच न्यूज़ दी है। और मुझे भी पता है कि इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगे, क्योंकि अब मैंने न्यूज़ दे दी है ना, तो अब बहुत सारे वीडियोस आएंगे, क्योंकि मुझे पता है जो भी अपडेट लोग देते हैं सब मेरे चैनल से ही लोग देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब क्या बोला जाए, आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, RRB NTPC बहुत सारे फॉर्म हैं, आप उस पर फोकस कीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे फोकस मत कीजिए, क्या किया जाए। और ऊपर से समस्या ये फंस गई ना कि अब संविदा वाला भी प्रावधान आ रहा है, तो कैंडिडेट हाईकोर्ट के पीछे भागा, अब हाईकोर्ट भी आपको, हाईकोर्ट धोखा ना देता लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको धोखा दे दिया, तो अब समस्याएँ ही समस्याएँ हैं, अब क्या किया जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।